असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल होपियोल और डूइंग वेल सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट एंड ईजी सा मेकअप लुक अगर आप हैं स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग को आप अपनी किसी भी पार्टी वगैरह के लिए कर सकते हैं यहाँ पे जो है न मैं अपनी भांजी का मेकअप करी हूँ इनको जाना था अपनी एक वेलकम पार्टी में तो मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए तो इस तरह से बहुत सारी गर्ल्स के लिए ये भी जो है ना हेल्पफुल रहेगी एंड इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप घर पर ही जो है ना हीटलेस गर्ल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं वो भी जस्ट टेन मिनट्स में तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना के साथ सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ एंड इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जो है ना वो एक डार्क स्किन टोन को कैसे फेयर दिखा सकते हैं तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है चले शुरू करते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हेयर स्टाइल जिसमें हम बनाने वाले हैं कर्ल्स और इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये वाले स्ट्रॉज जो कि आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाएंगे लाइक किसी भी बर्तनों वाली मतलब डिस्पोजेबल जो बर्तनों वाली शॉप होती है वहाँ से बहुत ईज़िली और कम प्राइस में पूरा पैकेट आपको मिल जाता है तो यहाँ पर मैंने तकरीबन तो कोई पच्चीस तीस इस तरह से स्ट्रॉस ले लिए हैं उनको जो है ना मैंने सेंटर से कट कर लिया मतलब हर एक स्ट्रॉ को जो है ना उसके टू पीस कर लिए हैं सो हीटलेस कर्ल्स अचीव करने के लिए हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी जस्ट हमें लेने हैं ये वाले स्ट्रॉज जिनको हमने कट कर लिया इसके अलावा हमने लेनी है कोई भी स्प्रे बॉटल इसके अंदर आप पानी डालेंगे एंड बस तो हम चले अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने जो है ना बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है तो कोई भी हेयर स्टाइल जब आपने बनाना होना इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने बालों को जो है ना एक दिन पहले वॉश कर लें क्योंकि इससे अच्छा सा मॉइस्चर आ जाता है बालों में बालों में शाइन आ जाती है वरना अगर फ्रेश बाल अगर वॉश किए ना चाहे आपने सुबह ही किए तो आपका हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बन पाता इस तरह से आपके कर्ल्स भी जो है ना अच्छे से नहीं बनेंगे तो कॉम करने के बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी मांग निकाली है बालों की पार्टीशन कर लिया टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी है और हल्की हल्की हमने बालों पर जो है ना पानी की स्प्रे कर देनी और अगर आपके बाल कटिंग वाले ना मतलब आगे छोटे चोट छोटे बाल है कोई पफ वगैरह कटिंग हुआ तो उसको साइड पे कर दे बिकॉज वो कल होने के बाद ऊपर चढ़ जाएगा जो कि अजीब लगेगा तो इस तरह से मैंने भी इसको सेपरेट कर दिया है और यहाँ पे मैं एक छोटी सी लेयर ले रही हूँ बालों की बहुत ज्यादा बाल आपने नहीं लेने और वैसे आपकी मर्जी आपको जिस तरह की कर्ल चाहिए अगर ज्यादा मतलब चाहिए मोटे वाले कर्ल तो आप बाल ज्यादा भी ले सकते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़े नूडल्स टाइप वाले इस तरह के कर्ल जो है ना आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह के हमें कर्ल्स चाहिए थे तो इस तरह से हम लोगों ने बारीक बारीक स्ट्रिप्स ली सो अब स्ट्रोक के ऊपर हमें जो है ना बालों को रोल करते जाना है बिल्कुल एंड से स्टार्ट करेंगे स्प्री एंड से अच्छी तरह से जो है ना आपने पहले उनको लपेट लेना है बाद में आहिस्ता सा आहिस्ता आपने रोल करते करते ऊपर जाना है और कोशिश करें कि आप ना टाइटली बालों को पकड़े ताकि वो लूज ना रहे और जितने मतलब टाइट होगा उतने ही अच्छे से कर्ल भी बनेंगे अगर मतलब लूज लूज लेंगे तो बाद में और खुल जाएगा और इस तरह से सही कर्ल्स नहीं बनेंगे तो देखिए इस तरीके से जो है ना मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ तो मैंने ये देखे बाल इस तरह से खुल रहे थे तो अगेन मैंने इसको अच्छे तरीके से टाइटली रोल किया है देन बाकी बालों को मैं अच्छे से इस तरह से रोल करते करते उसको ऊपर कर तरफ ले जाऊंगी। बिल्कुल एंड तक आपने मतलब बालों को जो है ना लेकर जाना है तो so, इस तरह से देखा आपने मैंने जो है ना पूरे बालों की जो लेयर ली थी उसको अच्छे तरीके से रोल करते करते हेड तक लेकर जाना है एंड इस तरह से जो है ना अब क्या करना है हमने जो भी स्ट्रोज की जो साइड वाले किनारे हैं ना एक वाले को हमने पकड़ के थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो बिल्कुल बारीक सा हो जाए और उसको हम दूसरे सरे के अंदर अच्छे तरीके से इस तरह से टक कर देंगे तो इस तरह से ये लॉक हो जाएगा और हमारा जो भी कर्ल हमने किया है देख सकते हैं आप वो इस तरह से नहीं खुलेगा तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके समझा देती हूँ तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लेनी है बालों की पतली सी स्ट्रिप तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना इस तरह से पानी से स्प्रे करके थोड़ा सा वेट कर देंगे अच्छी तरीके से वेट करना है खास तौर पर जो स्प्रिट एंड है ना वहाँ पे अच्छी तरीके से स्प्रे करना है और फिर से हम लेंगे अपना स्ट्रो स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट करना है ना बालों को इसके ऊपर रोल करना तो बहुत ही टाइटली और अच्छे तरीके से करना है देन बाल की बालों को रोल करते करते हमने हेड तक लेकर जाके अगेन से जो है ना वो स्ट्रो को प्रेस करते हुए दूसरी सरे के अंदर इसको जो है वो लॉक कर देंगे तो इस तरह से चले मैं आपको ये एक साइड के सारे बालों को रोल करके दिखा देती हूँ एंड इस तरह से हम लोगों ने अपने हाफ बाल जो है वो डन कर लिए हैं कि इनको कर्ल्स के लिए रेडी कर लिया है जो भी इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रो का यूज किया है और ये काफी मतलब बेस्ट है आपने देखा है कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी लूज नहीं है काफी टाइटली इनको हमने इस तरह से डाला है और ना ये ओपन हो रहा है जितना हम जब देर आप रखेंगे उतने ही अच्छे आपके कर्ल्स भी डलेंगे और ये बिल्कुल भी लूज इस तरह से नहीं होगा और कितनी मतलब सस्ती और अच्छी चीज है ना तो जब आपने सारे अपने बालों को इस तरह से रेडी कर लेना है मतलब रोल कर लेना है तो आपने अगेन जो है ना थोड़ी सी पानी की इस पर स्प्रे कर ली है ताकि और अच्छे से हमारे कर्ल्स बन जाएं तो जितना मतलब अच्छे तरीके से आप एक तो टाइटली इनको रोल करेंगे ऊपर से पानी की स्प्रे भी करेंगे तो उतने ही अच्छे और स्ट्रांग आपके कर्ल्स जो है वो रेडी हो जाएंगे तो चलिए अब बाकी के भी अपने बालों को हम कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट तो मैंने सबसे पहले अगेन जो है वो बालों को अच्छे से स्प्रे कर लिया है एंड वन बाय वन इनको भी हम जो है वो रोल करके अपने बालों को कर्ल्स के लिए रेडी कर लेंगे एंड इस तरह से हमने बाकी के भी हाफ़ बालों को इस तरह से कर्ल के लिए रेडी कर लिया है एंड अगेन मैं इस पर जो है ना अच्छे तरीके से पानी की स्प्रे कर लूँ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी अपना खूबसूरत सा कर्ल जो कि मैंने अभी अभी ओपन किया है और देखिए काफ़ी अच्छे से जो है ना अभी से ही ये कर्ल हो चुका है एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप एंड ट्रस्ट में जब तक हमारा मेकअप कंप्लीट होगा ना हमारे कर्ल्स भी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे तो कितने कम टाइम में और विदाउट अपने बालों को नुकसान पहुंचाए आप कितनी ईजी से और आसानी से इस तरह से कर्ल कर सकते हैं एंड मेकअप के दौरान आप चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना हो तो इस तरह से आप जो है वो एक वाटर जो कैप आती है ईज़िली आपको तकरीबन डेढ़ दो सौ में मिल जाती है दराज से भी आपको मिल जाएगी तो ये आप अच्छे तरीके से अपने बालों पर डाल अच्छे से कवर कर लें तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे दो तीन स्टेप्स स्किन केयर के ताकि हमारी स्किन जो है वो मेकअप के लिए अच्छे से प्रेप हो जाए थोड़ी सी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाए अगर ओपन पोर्स हैं तो वो भी फिल हो जाए जिससे हम हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लोलेस एंड स्मूथ सा लगे तो यहाँ पे हम मैंने सबसे पहले अप्लाई किया है पोड्स का फेस मॉइस्चराइज़र आप कोई भी अपना फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं दैन इसके बाद जो है ना हम अप्लाई करेंगे फेस सीरम क्योंकि आजकल आपको पता है कि सर्दियाँ हैं तो स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है तो स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए थोड़ा सा आपने अपना फ़ेस सीरम भी अप्लाई कर लेना सो मेकअप so, मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ आइज मेकअप से एंड यहाँ पे सबसे पहले हम जो है ना आईब्रोज़ को फिल करेंगे और मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ग्लैमरस फेस की आई पैलेट एंड इसमें से मैं जो है वो मैट शेड्स यूज़ कर रही हूँ जो भी ब्राउन और ब्लैक है उनको यूज करते हुए ब्रश को थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है चाहे तो मेकअप सेटिंग स्प्रे से कर लें एंड वेट करते हुए दोनों शेड को मिक्स करके अच्छा सा शेड बना लेंगे आईब्रोज के अकॉर्डिंग एंड थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से कॉम कर लें आईब्रोज को क्योंकि आपको है कि जब हम फेस वॉश करते हैं या स्किन केयर कर रहे होते हैं तो हमारे आईब्रोज तो थोड़े से बिगड़ जाते हैं तो इनको सेट करने के लिए जरूरी है कि आप इस तरह से इस फूले की हेल्प से आईब्रोज को थोड़ा सेट कर लें इसके बाद जो है ना अपने आईब्रोज को जो है फिल करना स्टार्ट करेंगे एंड इनके जो आईब्रोज है वो अनप्लग्ड है एंड इनकी इस तरह से अच्छी से शेप बना बहुत so, आईब्रोज को फिल करना मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी वीडियोस में बताया। हम जल्दी से को फिल कर लिया है, को नीट करेंगे। इतना से मैंने एक लिया है। आपको एक प्रॉपर शेप जो है ना आईब्रोज की बना लेनी है एक लाइन क्रिएट करते हुए एंड बाद में हम उस कंसीलर को भी अच्छे तरीके से ब्लैंड कर लेंगे सो इनकी जो स्किन टोन है वो थोड़ी डार्क है इसलिए हमें जो है ना उसको थोड़ा सा फेड दिखाना है तो मुझे पहले बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे यूज़ करी हूँ एल ए का ऑरेंज कलर करेक्टर तो हमें पूरे फेस पे जो है ना थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी अप्लाई कर लेनी है क्योंकि जो भी आपकी इस तरह से डलनेस होती है कोई भी डार्क स्पॉट्स होते हैं तो उसको जो है ना वो कट करने के लिए हम ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं तो इनके जो है वो डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा है एंड कलर भी थोड़ा सा डार्क है हमें स्किन टोन को भी थोड़ा सा फेयर दिखाना है तो आप इसके लिए जो है ना सबसे पहले कोई भी इस तरह से कलर करेक्टर ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी पूरे फेस भी अप्लाई करें अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड एंड इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और इसके लिए जो है ना मैंने एक मिस्रॉस का ही फाउंडेशन लिया है जो कि फेयर शेड में है बिकॉज जो फाउंडेशन होती है ना फिर इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपकी स्किन के अकॉर्डिंग इसका शेड जो है वो सेट हो जाएगा तो इसके लिए हमने जो भी आपने फाउंडेशन यूज करनी है वो थोड़ी सी फेर ही यूज करनी so, है सो फाउंडेशन अप्लाई करें चाहे आप कलर करेक्टर जो भी अप्लाई करें ना मैं तो यही कि आप आपको फिंगर से ही अच्छे तरीके से ब्लैंड करें तो वो ज्यादा अच्छे से अप्लाई होगी वरना वो ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो ब्रश के वगैरह के अंदर चला जाता है हाँ ये कि पूरे फेस पे एक दफा आप फाउंडेशन को फैला लें देन उसको ब्रश की हल्प से अच्छे तरीके से सेट कर लें और इसके बाद जो है ना फेसबुक रिप्लाई करके फाउंडेशन को अच्छे से लॉक कर लें अब स्टार्ट करने वाले अपना आइज मेकअप जिसके लिए मैंने लिया है मिस रोज का न्यूड पैलेट और इसमें जो है वो मैं मैट शेड्स यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा न्यूड पिंक एंड ब्राउन एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपना एक फ्लफी ब्रश में पूरी आईलिड पे अच्छे तरीके से अप्लाई करी बिकॉज सॉफ्ट मेकअप है हमें अलग से कोई क्रीज़ में इसको नहीं है ब्रश में आपने एकदम से बहुत ज़्यादा शेड नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है उसके बाद आपको अपनी मर्ज़ी से जो है ना डार्क करते चला जाना है एंड सेम पैलेट में से ही मैंने थोड़ा सा पिंक और गोल्डन सब मेटालिक शेड को यूज़ करते हुए फिंगर से ही जो है ना आईलेट के जस्ट सेंटर में इसको अप्लाई कर दिया है और अब हम जो है ना लाइनर अप्लाई करेंगे ऑलरेडी जो है ना लैश काफी अच्छी थी तो अलग से वैसे भी जो है ना कॉलेज और स्कूल गोइंग कर लिए पार्टी में जो है ना आई लगाना अच्छा लगेगा इसके बाद हमने वाटर लाइन पर अप्लाई किया है व्हाइट काजल एंड इसके बाद हमने छोटे से ब्रश में ब्राउन मैट आई लेते हुए इस तरह से लॉर्ड लच में इस तरीके से कर दिया है और हमारा मेकअप जो है वो कम्पलीट हो चुका है इसके बाद जो है वो हमने लिपस्टिक जो अपलाई की थी वो क्रिस्टाइन की थी एंड इसका जो शेड है वो ब्राउन सा है नंबर आप पे इसका देख सकते हैं तो इस इनका जो कलर था ना ड्रेस का वो ब्लू सा था एंड सॉफ्ट सा मेकअप तो मैंने सोचा कि ये वाला जो लिपस्टिक का शेड है वो काम एंड जैसे ही हमारा मेकअप कम्पलीट हुआ हमने अपने बालों के जो कर्ल्स हैं उनको ओपन करना स्टार्ट कर दिया है एंड यहाँ पे मैं आपको लाइव जो है ना ओपन करके दिखाऊंगी एंड मैं खुद हैरान होती हूँ देखिए मेरी कितनी जल्दी और इतने अच्छे कर्ल्स जो है ना हो जाते हैं वो भी इतने से से यानी कि लूज लूज जितनी देर आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपके बाल जो है ना अच्छे से कर्ल हो जाएंगे तो अगर मतलब लाइट भी ना ना आ रही हो अक्सर आपको अर्जेंट जाना पड़ है या शादी वगैरह में और लाइट चल जाती है तो इस तरह से आप जो है ना के अपने बालों को अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे और इतनी देर में आपके बाल अच्छे से कर्ल भी हो जाएंगे तो अगर आपके बाल लंबे हो ना तो इस तरह से ओपन करने के बाद ही आपके कर्ल्स अच्छे लगेंगे लेकिन इस तरह इनके बाल छोटे हैं ना तो वो कर्ल्स थोड़े से अच्छे नहीं लगते तो इस तरह से आप कर्ल्स को जो है ना थोड़ा सा करके खोलना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा जो आप चाहें तो यहाँ पे पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके बाल जो है वो थोड़े से लूज कर्ल्स हो जाएंगे सो so, होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेटिव रही होगी so आज की वीडियो पसंद आई है तो इसके लिए लाइक जरूर कीजिए तो मिलते हैं किसी और मजेदार सी वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह